सो वेलकम बैक राधे राधे। और आज ना आगे का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास ना ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप डॉक्टर मोमिता के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, या फिर मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा हो कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। या देखो, प्रॉब्लम क्या है कि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, मेरी ऑडियंस अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मैं कुछ बोलूँगा तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा या फैल जाएगा, उसका कुछ आउटलुक जाएगा। बट फिर भी जब ऐसे कमेंट्स आए, यूट्यूब पे आए, इंस्टा पे आए, तो मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है, मैं इसके बारे में अपनी एक अलग राय रखता हूँ और आई थिंक मैं उसको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। सो मैंने अपने 10 ईयर्स में बहुत बार ना वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सी चीज़ें करवाई हैं। आई थिंक ब्लॉग्स को देखने वाले बच्चे इस चीज़ को हाँ करेंगे कि हाँ मैंने करवाई है। अब मेरा ना सबके साथ बार बार एक ही मकसद रहता है बताने का इस चीज़ को लेके कि देखो अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भगवान राम का युग था तब उन्होंने नारी के सम्मान में अपना धनुष उठा लिया था, पूरा रामायण का युद्ध हुआ था, हिस्ट्री आप सबको पता है। जब भगवान कृष्ण का टाइम आया उन्होंने चक्र उठा लिया था। मैं बार बार बच्चों को एक बात कहता हूँ, और जब भी जिन भी गर्ल्स से ये मैं वुमेन एम्पावरमेंट वाली थीम करवाता हूँ, उन्हें बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि देखो बेटा ऐसा है कि ये चल रहा है कलयुग, यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ही अपने आप को मेंटली और फिजिकली जो है ना क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है। ये मेरा एक मैसेज रहता है हमेशा। अभी जो ये कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ है, अब देखो क्या है ना कि पहली बार इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। वो कोलकाता है, मैं एक स्मॉल टाउन सीकर से रहता हूँ, तो हमने भी यहाँ बहुत सुना है, लोकल सीकर में सुना है, 4 साल की मासूम के साथ हमने यार ये सब सुना है, और 80 ईयर्स के ओल्ड जो मतलब अपने दादी की उम्र के हो जाते हैं उनके साथ हमने सुना है। और इवनिंग में काम करके घर 2 बहनें जा रही थी उनको उठा कर ले गए, उनके साथ रेप मैंने सुना है, और हमने बहुत प्रोटेस्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत हमने जितना बन पाया उतना किया था। और सारी बातें पुरानी हो गई और अब हमने फिर सुन लिया, अभी न्यू ईयर में हमने दिल्ली पर सुना था। तो ये एक ना चारों तरफ फैल चुकी है, ये गंदगी चारों तरफ फैल चुकी है कि भगवान जाने क्या मेंटेलिटी बन चुकी है इनकी सबकी कि क्या कर रहे हैं। कुछ जो है पावर के नशे में, शराब के नशे में। लेकिन देखो सीन क्या है, मेरी राय इसके अंदर एक ही है। जैसे मैंने कंटिन्यू में वीडियो देख रहा हूँ डॉक्टर के, अब उसमें जो आरोपी पकड़ा गया है ना संजय, उसकी मम्मी का ये कहना है कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए। सीरियसली उन्होंने बयान दिया है कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए ऐसा बेटा सबके घर में? तो उनका कहना है कि पूरे घर का वो जिम्मेदारी उठाता था, खर्च उठाता था, हस्बैंड मेरे ख़त्म हो गए। अरे तो दुनिया में पहला ऐसा आपका घर नहीं है जहाँ पे ना एक क्या बोलते हैं, एक पिताजी ख़त्म हो गए तो बेटा फिर घर का जिम्मेदारी उठा रहा है। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं भाई जहाँ पे पिताजी के रहते हुए बेटों ने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, तो इसका मतलब आपको रेप करने का लाइसेंस मिल गया। आप अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो तो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आप लड़के हो, आपका धर्म है, आपको कमाना ही पड़ेगा, और नहीं कमाना पड़ेगा तो आपको इतना फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग के अंदर भर रहे हो, तो एक काम करो आप खुद सुसाइड कर लो। आपको ये अधिकार कोई नहीं देगा इस यहाँ पे कि ना आप घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उठानी ही पड़ेगी। क्यों लड़के क्यों? मैंने कई लड़कियों को ऐसे देखा है जिनके ना भाई नहीं है, बाप नहीं है, क्या वो घर की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा रही अपनी? उठा रही है। तो सबसे पहले तो इस पूरे मामले में जो देखो जो संजय की माँ ने कहा है सरासर गलत है, मैं 1% भी नहीं हूँ। एक लेडी हो के आप कैसे कह सकते हो दूसरी लेडी के लिए कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए? मेरे बेटे ने मतलब उसकी एक शादी हुई थी, उसकी वाइफ भी ख़त्म हो गई कैंसर से, तो क्या हो गया आंटी, क्या हो गया? मानते हैं आपके ना हस्बैंड ख़त्म हो गए, आपकी बहू ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब आपका बेटा किसी और के परिवार को तबाह करेगा? वो शराब पिएगा, फिर उसके बाद में वो बाहर जाके अपने मोबाइल में गंदी मूवीज़ चलाएगा, फिर उस मूवीज़ को देख के अपने दिमाग में गंदगी भरेगा, और फिर अंदर जाके जो एक किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है ना, और एक सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है वो, उसके साथ जाके फिर वो गलत करेगा। तो ये तो आंटी कहीं की बात नहीं हुई, सरासर गलत है ये तो, कुल मिला के ये तो गलत बात है। और जब माँ अपने बेटे का इस लेवल पर जाके सपोर्ट कर रही है, हकीकत सो ऐसा नहीं है। और
मेरी तीन राय है, देखो इस टोटल मुद्दे पे मेरी तीन राय है। पहली राय ये है, हालांकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना स्प्रेड आउट होगा, पर जितने भी गर्ल्स इसको देख रहे हैं, मेरा पहला राय आप लोगों के लिए है। देखो ऐसा है, मैं वापस बोलूँगा, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे भगवान राम भगवान कृष्ण बचाने नहीं आएंगे आपको, ठीक है। और ये जो कलकत्ता में भी हुआ है अभी, उसमें भी ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि रेप होने से पहले और मर्डर होने से पहले जो पीड़िता है यानी जो डॉक्टर है, उन्होंने अपनी जी जान से भरपूर कोशिश करी थी अपने आप को सर्वाइव करने की, बचाने की, ठीक है। सो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि YouTube पे हज़ारों वीडियो ऐसे अवेलेबल है जिनको देख के आप एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो कुछ बेसिक ट्रिप्स जो है ना, बेसिक ट्रिक्स सीख लो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के, ठीक है। यदि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे ये सब चीज़ें जो है कि आपके वहाँ पे टीचर हैं जो आपको ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मेरा तुम टीचर्स से भी ये कहना है, स्कूल वालों से भी ये कहना है और बच्चों आपसे भी कहना है कि उस चीज़ को गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स थोड़ा सा सीरियसली उसको सीखो फर्स्ट, इसमें सुधार इस चीज़ से आ सकता है, ठीक है। एंड क्योंकि जब आपने इतना, उस डॉक्टर ने जब इतना मतलब किया, ठीक है, कि उस आरोपी के शरीर पर भी खरोंच के निशान आ गए, ठीक है, जिनसे ही तो वो डीएनए वगैरह मिलता है फिर, और सेल्फ डिफेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो इस टाइम पे इस परिस्थिति में गर्ल्स करती ही हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा वक्त से पहले रेडी हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट हम नहीं कह सकते, समाज में बहुत से ऐसे मेंटेलिटी के लोग घूम रहे हैं, पता नहीं कब किस मोड़ पर आपकी किससे मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, तो अपने आप को थोड़ा सा बी प्रिपेयर, और कुछ हो ना हो उससे अच्छा नहीं है, सेल्फ डिफेंस से आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहेगी ना, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, सो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करो। भले आप पढ़े में कितनी होशियार हो, आप घर के कामों में कितनी भी होशियार हो, आप बहुत शार्प माइंडेड हो या ना, फटाफट आप सारा काम कर देते हो, ये सारे आपने भगवान ने लेडीज़ वाले गुण दिए होंगे, लेकिन नाउ डेज अभी कंडीशन ऐसी है, रिक्वायर्ड है वक्त की, कि ना अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना सीखो, थोड़ा सा समझो मेरी बात को, आप आई थिंक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सेकेंड, मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि बहुत टाइम हो गया कि गर्ल्स को ही हमेशा टोका जाता है ऐसे कि आप ना ये इतनी ज़ोर से मत हंसो, हैं चार लड़कों से बात मत करो, या घर के बाहर जाओ तो कपड़े ठीक ठाक पहन के जाओ। ये लड़कियों को समझा दिया, अच्छी बात है, बहुत समझा दिया। अब मेरा कहना, जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं या जितने भी बॉयज़ इसको देख रहे हैं जो भी अंडर 18 है, ठीक है, मेरा सबको एक ही बात कहना है कि पेरेंट्स से भी ये कहना है, थोड़ा सा ना एक बार अपने बच्चों की मेंटेलिटी चेक करो टाइम टाइम पर, कि आपका बेटा किसी फीमेल के बारे में क्या नज़रिया रखता है, उसकी सोच क्या है एक फीमेल के बारे में, इवन वो उसकी क्लासमेट हो, इवन चाहे वो उसकी दोस्त हो, इवन उसके पड़ोस में रहती हो, वट एवर कुछ भी हो। और तो फर्स्ट थिंग तो क्या है, गर्ल्स अपने आप को थोड़ा सा, आपको देखो सेल्फ डिफेंस के मामले में थोड़ा क्या, मैं तो कहूँ जितना ज़्यादा आप सीख सको उतना करना पड़ेगा आपको। सेकेंड, बॉयज़ अपनी मेंटेलिटी, और बॉयज़ खुद बदले ना बदले, यदि वो छोटे हैं, पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों की मेंटेलिटी चेक करो टाइम टू टाइम। मैं भी करता हूँ, मेरे घर में एक मेरा 10 साल का भांजा है, ठीक है, दीदी का लड़का है मेरा, तो टाइम टू टाइम मैं उससे बात करता हूँ, ऐसा नहीं हो कि नहीं बात करता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ कि उसका नज़रिया क्या है एक फीमेल के लिए, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं बनती है दिमाग में, ठीक है ना। और स्कूल जाता है वो, ठीक है, और स्कूल में बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है, बेटा आपके फ्रेंड क्या है, गर्ल्स में आपका अच्छा फ्रेंड कौन है, वो क्या सोचता है उनके बारे में, तो टच वुड ठीक है, अभी तक वो बच्चा जो है बहुत प्योर थिंग लेके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि बॉयज़ आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई है जो गर्ल्स के लिए ऐसी मेंटेलिटी रखता है, तो प्लीज़ आप उसको ग्रुप से बाहर करो, क्योंकि आप क्या है फिर उसके साथ उसकी हंसी मजाक, यदि वो एक हंसी मजाक में भी इस लेवल पर सोच रहा है, तो कब आप ना उसकी उस छोटी सी सोच को बड़ी हवा दे दोगे पता नहीं चलेगा। जैसे मेरे साथ मेरे ग्रुप में बहुत थे ऐसे, सीरियसली बोलूँगा, शायद वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को अपने ऊपर, मेरे ग्रुप में थे ऐसे, अभी लास्ट एक ईयर पिछले साल तक थे, जो मतलब इवेंट्स करवाने के लिए जाते थे, हाँ, और इवेंट के अलावा भी थे, मैं इवेंट्स की बात नहीं करूँगा, इवेंट के अलावा भी थे, बट उनकी सोच अलग है फीमेल्स को लेके, और मैं हमेशा उसके विरोध में रहा, और एंड लास्ट जब मेरे को पता चला कि अपनी सोच नहीं बदल पाएंगे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि आज से वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, इवन एक कॉल पे जो सिंगल कॉल करके बोलते हैं ना हाय हेलो, वो भी नहीं है। देखो क्या है, जब भी कोई एक लड़का किसी लड़की का रेप करता है ना, तो क्या होता है, अकेला उस लड़की की लाइफ ख़राब नहीं हुई है,
आपने अपने चारों तरफ ना बहुत नेगेटिविटी फैला दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। आपने अपना घर बर्बाद कर दिया, आपने सामने वाले का घर बर्बाद कर दिया, और तुम्हें सजा होगी वट एवर हो तो तुमने किया है, लेकिन जिसके साथ तुमने किया ना वो बिना वजह, और उसका परिवार, जैसे अब डॉक्टर है उनके साथ हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अभी उसका परिवार, तुम्हें पता भी है वो कब तक निकलेंगे इस चीज़ से बाहर, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड यदि उन सब चीज़ों में देखो सुधार नहीं आया ना, ठीक है, बड़ी मुश्किल होने वाली है। देखो भगवान राम ने बचाया, भगवान कृष्ण ने बचाया, अब कलयुग में कोई भी नहीं है तो पता नहीं, एक तो नहीं इसमें कौन हमें ना ये सब चीज़ें सिखा गया। हम लोग उस धर्म से हैं कि जहाँ पे नारियों के सम्मान के लिए युद्ध हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप भले रामायण का एग्जांपल ले लो, आप महाभारत का एग्जांपल ले लो, और इवन वो तो सब द्वापर युग त्रेता युग की बातें, कलयुग की भी बातें करें तो राजस्थान में ही सबने पद्मावत देख रखी होगी मूवी, और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था स्टार्टिंग से। तो एक नारी के सम्मान के लिए पूरा चित्तौड़ ना खड़ा हो गया था, सबने हिस्ट्री सुन रखी है, और लास्ट में भी जब नहीं बैठा तब उन्होंने अपने सम्मान के लिए जोहर कर लिया, ठीक है, बट एक झलक नहीं दिखने दी उसकी। हम वहां से आते हैं तो एक तो पता नहीं कि इतने प्राउड वाले इतिहास के ऊपर कौन हमारे हाथ में ये मोमबत्तियां पकड़ा गया कि जरा सी कोई बात हो मोमबत्ती लेके सड़कों पे निकल जाओ। अरे बाबा क्या डर रहेगा इससे, ये अपराध करने वालों में क्या डर रहेगा कि मैं कर दूंगा, होगा क्या, ज्यादा ज्यादा लोग मोमबत्ती लेके सड़क पे निकल जाएंगे, एक जगह रख देंगे, नारेबाजी हो जाएगी, फिर जाकर सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, ये तो गलत है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि फिर सारे भाई बनेंगे रणविजय जैसे एनिमल में, सारे बाप बन जाएंगे महाराजा, ठीक है ना, और जिनके भाई बहन नहीं है वो बचे हुए लड़के जो इस मेंटेलिटी से नहीं है वो विजय की, मैंने एक मूवी देखी थी विजय थैलापति की, कि जिसके अंदर वो एक पुलिस वाला होता है और फिर वो जो रेप करता है वो एक बड़े मिनिस्टर का बेटा होता है, और फिर वो अच्छे से इलाज होता है उसका। तो यदि वैसा फिर सब कुछ होने लग गया तब तो लॉ कहाँ रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी कहाँ रहेगा फिर तो। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब हर रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन को ना ये गिफ्ट ना देके फिर सेल्फ डिफेंस के लिए, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें देंगे, फिर क्या है, केस लड़े लेंगे। नहीं, यदि ऐसा कुछ रहे तो जैसे मैं भी कई बार सोचता हूँ कि रक्षाबंधन पे मैं अपनी बहन को ना गन दे दूँ गिफ्ट में, हाँ सच्ची बात है, सोचता हूँ गन दे दूँ, क्या हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इस मोड पे आएगा तो बहन को इतना कहूँगा खाली कि तू फिर ठोक देना सेल्फ डिफेंस में, सीधी सी बात है, ठोक देना। जब भगवान ना करे सब कुछ हो गया तो उसके लिए भी तो हम केस लड़ेंगे, इससे अच्छा इसी के लिए केस लड़ लेंगे, जाहिर सी बात है, तो खुद अपना केस जिंदा होके सही सलामत अवस्था में लड़ सकती है अपना केस। तो ये सब कंडीशन ना आ जाए, और देखो मेरा वीडियो पहुँचे ना पहुँचे, यदि लेकिन पहुँच रहा है और कोई भी ऐसे हाथों में पहुँच रहा है जो कैपेबल है, जो कुछ कर सकते हैं इस मामले में, तो प्लीज़ यार देखो आप, मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर, और एक बार हो जाए दो बार हो जाए जहाँ तक, ठीक है आए दिन हुए जा रहा है, आज ये हुआ है, नहीं रोका गया ना इसको, ये चलता रहेगा मामला सिलसिला। और फिर एक चीज़ है कि हर चीज़ का अंत है, आज यदि ये सब हो रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसका रिटर्न होना भी शुरू होगा, और उस दिन फिर बड़ा गलत हो जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बस इतना सब कुछ मेरे को कहना था, बाकी जस्टिस फॉर डॉक्टर।